निशांत के लिए सैंडविच बनाने आई हूँ। तो प्याज, हरी मिर्च, सोयाबीन और टमाटर, टमाटर है ना, और क्या भाई, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी दिखाते हैं। ये रही शिमला मिर्च। और ये है, ये किस किस को बताइए क्या है, तो मुझे बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए कि ये क्या है। तो भाई ये क्या है, चलो मैं ही बता देती हूँ, मैं ही बता देती हूँ कि ये क्या है। ये हंकड़ है जो दही में से पानी निकाल के ली है मैंने। तो और ये है दो आलू, और इस तरह से काट लेंगे बारीक बारीक इस तरह से। लो जी, थोड़ा सा नमक डलेगा इसमें और ये चाट मसाला से डाल लेंगे इसमें। बस ब्रेड के ऊपर नहीं लगाऊंगी और बस ऐसे ही डाल देंगे। ये सॉस भी डल चुकी है और इसको करेंगे मिक्स। तो ये बड़ा बर्तन ले लिया, इसमें ना मिक्स नहीं हुआ अच्छे से। तो ये देखिए सारा मटेरियल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जी मक्खन ना खत्म हो चुका है, खत्म क्या हो चुका है, पुराना हो गया था मक्खन। अब की बार मैंने धो के नहीं रखा था और उसमें थोड़ी स्मेल सी हो गई थी, तो फिर मैंने गर्म कर दिया था। और ये उसी मक्खन का घी है, दिखाती हूँ आपको। ये रहा, मैंने निकाला भी नहीं अभी, उसी मक्खन का है, ये ठंडा होके जम गया। तो ये बात थी आज, इसलिए मक्खन की कमी पड़गी भाई। वैसे मेरे यहाँ कभी मक्खन की कमी नहीं होती, आप सभी को पता है। तो अच्छे से इस पे मैं ये देसी घी लगा दूंगी। तो बच्चों को खूब सारा देसी घी, मक्खन वगैरह खूब आप खिलाया करो भाई, डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ा करो। और ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी मैं कि ये मटेरियल आ जाए, सब्जियां जो हमारी काटी हुई है। तो इसको भाई ऐसे हम कर लेंगे सेट, और इसके ऊपर भी मैं घी लगा दूंगी। इस साइड अभी घी नहीं लगाया था ना, तो इस साइड भी घी को लगा देंगे अच्छे से। तो इसको कर देते हैं बंद और गैस को करेंगे ऑन। इसको बदलेंगे 1-2 मिनट के बाद। एक बार जब ये गर्म हो जाता है ना, फिर तो अच्छे से फटाफट बन जाते हैं। तो इस तरह से अदल बदल के हम इसको पका लेंगे। और खोल लेते हैं अब इसको, ये करती बंद हो, देखते हैं पर इधर से। वेरी नाइस, बंदी कर देते हैं और निकालती हूँ इसको ऐसे। और सॉस डाल दिया मैंने, ये देखिए भाई क्या लाजवाब बना है। तो निकाल लेते हैं इसको, हाथ से उठा लेंगे गरम, ध्यान से भाई, गरम भी हो सकते हैं ये
और इसको काटने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए, ये देखिए भाई, पास से एक बार क्या शानदार बने हैं, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा। और मैं शांत को दे के आती हूँ। तो जी अब ये दूसरा तैयार करूँगी मैं उसके लिए, उसके लिए किसके लिए, ईशांत के लिए। और इसके ऊपर भी काफ़ी सारा घी, ब्रेड पे घी मक्खन ना हो तो मज़ा नहीं आता। लगा दिया। और अब सब्जी, ये सब्जी ऐसे ऐसे बहुत सारी सब्जी रख देंगे, है ना, बहुत सारी रखेंगे। ये कर देंगे बंद ऐसे, और इसको पकने देंगे बिल्कुल। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि शांत को मैं दे के आ गई, आराम से बनता रहेगा। दिखाती हूँ आपको, फंस गया। ये देखो भाई, लाजवाब दूसरी साइड से। ये देखो, हेलो एवरीवन, होप कि मेरा यूट्यूब परिवार और आप सभी जो भी नए हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और टाइम ना 11:30 हो चुके हैं, और बस भगवान करे अब मैं ठीक रहूं बस। तो आपको ना अपने रूम की हम हालत दिखा देते हैं कि हमारे रूम के अभी क्या हालात हो रखे हैं 11:30 बजे तक, और आप सभी के साथ व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो रूम में चलते हैं, है ना, तो रूम में चलते हैं। और ये देखिए भाई, यहाँ से देख लीजिए हमारे रूम के हालात दिख गए हैं, रूम के हालात दिख गए हैं। एक मिनट भाई, मैं दिखा देती हूँ। और ये देखिए, मेरे बिना ये पंखा कैसा हो गया। ये देखिए भाई, ये देखिए, है ना। तो आज हालात में सुधार है, तो सबसे पहले इस पंखे तक ही पहुंचूंगी, क्योंकि इसकी हवा खाते हैं हर टाइम, तो वो ठीक नहीं है। तो आज कोशिश यही है कि लग जाते हैं फिर अपने काम में। बेडशीट तो बाद में चेंज करूंगी, पहले पंखा ही साफ कर देती हूँ। और मेरे हालात देखिए, मेरे साथ साथ मेरा घर भी कैसा हो चुका है। तो देर न करते हुए करते हैं कोशिश। जब मैं पंखा साफ करने लगी ना, लाइट भी चली गई, नहीं तो था कि एसी चला के आराम से पंखा साफ करेंगे। तो हमारे साथ क्या क्या नहीं होता देख लीजिए आप भी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लाइट आए ना आए, पंखा चमका देंगे। हो गया साफ, चमक गया, लाइट आ गई।
जब पंखा साफ हुआ लाइट भी आ गई, एसी चला लेते हैं सबसे पहले। कभी भी आप मेरी तरह काम करने की कोशिश मत करना, ठीक है? अच्छे से अपनी पहले सेफ्टी करिए और फिर ही इस तरह से काम करिए, ठीक है जी? और तो मैं क्या कहूँ, ये है भाई हमारी सुरक्षा का हकदार। इसने हमारी सुरक्षा की तब हम पंखे तक पहुंच पाए। इसको रख देते हैं नीचे। ये बहुत का तो जी ये देखिए, औरत के बिना घर की क्या दुर्दशा हो जाती है, जैसे कि हमारे इस रूम की, इस नहीं सारे रूम की। और साथ में ले लेंगे इनके पिल्लो कवर। ये देखिए जी, झाड़ू निकाल देते हैं। ओहो